दोस्तों आज हम बात करेंगे हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है और ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने हाईवे पर सफर जरूर किया होगा और हो सकता है कि एक्सप्रेसवे पर भी सफर किया हो, लेकिन आप हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है शायद ये नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इस खबर में यही बताएंगे। दोस्तों हाईवे को हिंदी में राजमार्ग कहा जाता है और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को हाईवे कहा जाता है, लेकिन हाईवे का मतलब होता है कि एक ऐसी रोड जो शानदार तरीके से बनाई गई हो और जिस पर भारी वाहन आसानी से आ जा सके। ये अक्सर अन्य सड़कों की तुलना में ज्यादा चौड़े होते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। बता दें कि भारत में हाईवे में दो लेन या ज्यादा से ज्यादा चार लेन ही होते हैं। भारत में अभी लगभग 400 नेशनल हाईवे हैं जिस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं एक्सप्रेसवे भारतीय सड़कों की सबसे हाई लेवल की सड़कें होती हैं और ये गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर इतना होता है कि जब हाईवे को कई सुविधाओं से लैस कर दिया जाता है तो वो एक्सप्रेसवे में हो जाता है। बता दें कि एक्सप्रेसवे पर 6 से 8 लेन होते हैं जो शानदार तरीके से बनाए जाते हैं। देश में अभी लगभग 50 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन चलाए जा सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जाता है। हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या है अंतर? दोस्तों हाईवे पर बड़े चार पहिया वाहनों की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो छोटे वाहन और दो पहिया वाहन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि एक्सप्रेसवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसके अलावा हाईवे पर दो पहिया वाहन को चलाने की छूट होती है, जबकि एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहनों को परमिशन नहीं दी जाती। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे होते हैं उनमें कोई भी सामान्य सड़क नहीं मिलाया जाता है। जब एक्सप्रेसवे पर कोई सड़क मिलाई जाती है तो वहीं पर टोल बूथ लगा दिया जाता है, जबकि हाईवे में किसी सड़कों या कॉलोनियों की सड़कों को लिंक कर दिया जाता है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।